हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कोई भी ड्राइंग कैसे उसको इजी वे में करें। और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है ड्राइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। उसकी वजह ये है कि जब वो ड्राइंग करते हैं तो वो या तो स्टार्टिंग से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और या तो फिर उनको प्रोपोर्शन समझ में नहीं आता है। और अगर ड्राइंग पर्सपेक्टिव में है तो भी ड्राइंग करने में दिक्कत आती है। बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, जैसे कि पर्सपेक्टिव अगर आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये इस तरह के ऑब्जेक्ट कभी कभी प्रपोर्शन इसके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप परफेक्टली कैसे ड्रॉ करोगे? ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स निकाले हुए हैं जिसमें बहुत सारे आपको शेप देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे शेप हैं जो जिसको ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइन ग्लास, ये सारी थोड़ी से टफ ये ऑब्जेक्ट हैं जिनको ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो और एकदम ये परफेक्ट ड्रॉ कैसे करें तो आज की वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शेप से। अगर आप कोई भी ड्राइंग करते हो तो आप उसको शेप में देखो, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक एलिमेंट रखा हुआ है, ये है, ठीक है। तो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम पहले इसको शेप देखेंगे कि इसमें हमारे जो शेप हैं वो क्या क्या इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है। सेम उसी तरह कि ये जो हम स्टिल लाइफ देख रहे हैं, सबसे पहले हम शेप देखेंगे। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले हम शेप में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन फेस भी बनाते हैं या अगर हम ह्यूमन बॉडी भी बनाते हैं तो उसको जितना ज़्यादा हो सके हम लोग शेप में पहले कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग जो ड्राइंग है उसकी डिटेल उसके बाद हम देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम कोई एक इमेज ले लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। जैसे ये पहली वाली है, ये ले लेते हैं। ये थोड़ी सी टफ है तो इसको बताना भी, इसमें सारे शेप्स भी हैं। एक एलिमेंट हम इसमें से ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये एलिमेंट है, सबसे पहले हमारी स्ट्रेट ड्राइंग रहेगी ताकि जो हमारा प्रपोर्शन हो वो हम लोग को समझ में आए, ठीक है। ये चाहे आप मैनुअल ड्राइंग कर रहे हो चाहे डिजिटल ड्राइंग कर रहे हो, प्रोसेस दोनों का सेम रहता है। बस मेरे पास ये टूल है जिसकी वजह से हम आपको इजीली समझा सकते हैं। तो ये आप पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे प्रपोर्शन के लिए, फिर उसके बाद आप देखो उसमें शेप कितने हैं, ठीक है। ये हमारी एक लाइन है, आउटर लाइन, ठीक है, जिसका ये जिसके हिसाब से बेस आएगा। फिर यहाँ पे एक शेप है, यहाँ पर एक शेप है और यहाँ पर एक शेप है, ठीक है। तो पहले हम इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि इतना चौड़ा हमारा बेस है, ठीक है, और ये इसकी सेंटर लाइन ले लेते हैं, एक हमारा ये शेप है, ठीक है, एक हमारा ये शेप है, एक हमारा ये शेप है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ये जो राउंडनेस है इसको बाद में ही देंगे, ये हम लोग पूरा पहले ये जो है ये पूरा यहाँ से बेस ले लेते हैं, ताकि जो हमारा ये जो हमने बीच में जो ये लाइन ले ली है ना, इसकी वजह से हमारा दोनों जो साइज़ है वो बराबर रहेगा और ड्राइंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हम लोग ने यहाँ पर एक शेप ले लिया, इसको जितना शेप में हम लोग डिवाइड करते जाएंगे उतनी हमारी ड्राइंग ईजी होती जाएगी, ठीक है। फिर ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसका ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। एक लाइन ये जाएगी, ये हमारा अपर वाला एरिया हो गया, ठीक। ये हमारी फिर एक लाइन है, ये यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो प्रपोर्शन है वो एकदम बराबर जाएगा। पहले एकदम रफ ड्राइंग करते हैं, चाहे मैनुअल हो चाहे वो डिजिटल हो, ताकि जो हमारा प्रपोर्शन है वो एकदम परफेक्ट रहे। ये हम रफ ड्राइंग करते चलेंगे, ये सब शेप बाद में देंगे,
ये हमारी बेसिक ड्राइंग यहाँ पे हो गई थी, तो ये हमने इसको शेप दे दिया बॉक्स के अंदर। अब यहाँ से हमें इसकी दूरी पता चल रही है, तो इतनी ही दूरी हम इधर बढ़ा देंगे ताकि जो हमारा शेप है वो एकदम बराबर रहे ऐसे। और फिर यहाँ पे हम लोग इसकी दूरी देख लेंगे और इसको राउंडनेस दे देंगे। ये हमारी बेसिक ड्राइंग रेडी हो गई। और सेम इसी तरह हम अगर हमें ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो पहले हम शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले हम एक सर्कल लेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्कल के बराबर ही ये है तो हम दूसरा सर्कल लेंगे और इसको हम बीच से काट देंगे। सर्कल हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बराबर प्रोपोर्शन को देखने के लिए। तो जितना बड़ा सर्कल ये है उतना ही बड़ा सर्कल ये है, तो हम लोग शेप भी ले सकते थे कि हम लोग ने ऐसे ड्रॉ करके हम लोग ऐसे शेप ले लेते, लेकिन हमको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हमको यहाँ से मिलेगी कि हम दोबारा ये जो लेंगे हमको परफेक्ट मेजरमेंट यहाँ से मिलेगी। तो हमने ये दोबारा सर्कल लिया। अब उसके बाद फिर हम इसको शेप देंगे, ठीक है। अब इसको ये राउंडनेस देंगे और ये जो हमारी जो ड्राइंग है ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है ये एकदम बराबर रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें बाकी की डिटेल दे देंगे। ये कुछ इस तरह से हम लोग ड्राइंग करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग शेप में कन्वर्ट करके ड्राइंग अपनी इजी बना सकते हैं। तो गाइज ऐसी टेक्निकल और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।